शेड्यूल में से उन्होंने हिमाचल प्रदेश आना स्वीकार किया और इसका बहुत सारा श्रेय श्रद्धेय महाराज श्री को और आदरणीय भाई कुलदीप जी को भी जाता। तो एक बार उनके लिए करतल ध्वनि बजा के आप उनका उत्साह वर्धन करेंगे। इतना सुंदर कार्यक्रम उन्होंने यहाँ रखा है और जो गौ माता के कार्य में तन मन धन किसी भी प्रकार से सहयोग देता है उसको उस सहयोग का कोटि कोटि गुना फल वो परमपिता परमात्मा देता है। आइए। हाँ जी, हाँ जी, जी बहन। हमारे आज के अतिथि करमवीर सहरावत कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडलिस्ट हमारे बीच पधार चुके हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। जी रखूं मैं गीत? बिल्कुल गीत, और आज इत्तफाक भी है, मैंने बहुत सारे मंचों पे गाया है लेकिन कभी बहन के साथ में गाने का अवसर नहीं मिला ना कभी ऐसा कोई, क्योंकि मैं मूलतः आर्य समाज से बिलोंग करता हूँ। लेकिन एक इनका ही शायद गाया हुआ गीत है, उसके ऊपर मैंने उसके शब्द चेंज करके गीत बनाने का प्रयास किया था, वो तो गुस्ताखी, आप क्षमा करेंगे मेरी, लेकिन मैंने प्रयत्न किया है कुछ और अच्छा प्रस्तुत कर सकूं। बहन लाहौर सेंट्रल जेल, समय 20 मार्च 1931, 3 नौजवान सरदार भगत सिंह संधु, शिवहरी राजगुरु, सुखदेव थापर, तीनों की उम्र 23 वर्ष से कम थी, फांसी के तख्ते पर खड़े हुए हैं, चारों तरफ सन्नाटा व्याप्त है। एक दिन पूर्व उनको फांसी दी जा रही है, जरा सुनिएगा कितने चढ़े फांसी पर, कितनों ने गोलियां खाई थी, कितने चढ़े फांसी पर, कितनों ने गोलियां खाई थी, क्यों झूठ बोलते हो साहब की चरखे से आजादी आई। उत्साह दिखा दीजिए पीछे तक एक बार, अपने जीवित होने का प्रमाण दीजिए। मैं सम्मान करता हूं गांधी जी की सीखों का, महाराज श्री गुस्ताखी माफ कीजिएगा, मैं सम्मान करता हूं गांधी जी की सीखों का, लेकिन मेरे सर पे कर्जा है भगत सिंह तेरी चीखों, मेरे सर पे कर्जा है भगत सिंह तेरी चीखों का। फांसी के तख्ते पर लाया गया मजिस्ट्रेट, घड़ी की ओर देख रहे हैं कि अभी फांसी में 10 मिनट शेष हैं। सुनो भाई, अंतिम इच्छा भगत राजगुरु सुखदेव, खाना चाहते हो, कुछ पीना चाहते हो, कोई पुस्तक पढ़ना चाहते हो, कोई ऐसी इच्छा बताइए जिसे हम पूरी कर सकें। तो सरदार भगत सिंह ने एक बात कही कि मुझे मारकर तुम मेरा क्या करोगे। सोनू भाई, मुझे मारकर तुम मेरा क्या करोगे, मैं फानी हूं, फानी कहते हैं जो मरता हो, मैं फानी हूं, जग से फना क्या करोगे, जो हथेली पे सर लिए घूमता हो सर उसका धड़ से जुदा क्या। जज साहब, आप मेरे इस नश्वर शरीर का अंत कर सकते हैं, मेरी अविनाशी आत्मा का और मेरे विचारों का हनन नहीं कर सकते। अंतिम इच्छा पूछ रहे हो तो अंतिम इच्छा एक है, अंतिम बार तीनों के हाथों को खोल दो, मरने से पहले गले मिलना चाहते, जाने से पूर्व एक दूसरे को जी भर कर देखना चाहते। मजिस्ट्रेट ने हाथों को खुलवा दिया, तीनों आपस में गले मिल गए, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगने लगे, रंग दे बसंती चोला वो गीत उनकी जिभ्या पर घूमने लगा और अचानक भगत सिंह घुटनों के बल बैठ गए और कहने लगे, जज साहब एक वस्तु मंगवा सकते हो क्या आप, एक वस्तु मेरी अंतिम इच्छा है। क्या? सुनिए जरा, श्रद्धे महाराज श्री पुरस्कृत कर रहे हैं और महाराज श्री आप वे जिस किसी सज्जन ने जो भी दान दिया है वो दान में साथ लेकर नहीं जाने वाला, वो सब गौ रक्षा के काम आएगा, यहाँ गौशाला में काम आएगा। आइए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कहने लगे, हो जज साहिब सुन लो बात मेरी, बहन का गीत है ये, मैंने मॉडिफाई किया थोड़ा सा, भगत सिंह कह रहे हैं इस बात को, जज साहब मेरी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहते हो, एक वस्तु मंगा दो, कि जज साहिब सुन लो बात मेरी, एक चाहिए
दुश्मन साथ मेरी कभी मैडम को भी क्लोज करते रहना मेरा इतना कहन पुगा दो आपके हृदय तक पहुंचे। मैं तो गाने वाला हूँ, मेरे जैसे कितने हिंदुस्तान में है। तो लिविंग लीजेंड शहीद आजम भगत सिंह के नाम से ताली बजा देना सुनकर। ओ मेरा इतना कहन पुगा दो मेरे वतन की मिट्टी ला दो मेरे माथे तिलक लगा। हाथ उठाकर उद्घोष करेंगे शहीद आजम सरदार भगत सिंह अमर रहे अमर रहे शहीद आजम सरदार भगत सिंह अमर रहे अमर रहे। और आपके दोनों हाथ खुल जाएं और करतल ध्वनि के साथ जाने अनजाने उन 7,32,000 क्रांतिकारियों को नमन निवेदित कीजिएगा। दोनों हाथ खोल के मेरे वतन की मिट्टी ला दो वस्तु मांग लेता मिट्टी का तिलक। तो भगत सिंह कहने लगा जज साहब मैं कैसे भूलूंगा इस मिट्टी की खुशबू मैं कैसे भूलूंगा इस मिट्टी की खुशबू। अगली लाइन मेरे मित्र ने लिखी है गजब की बात लिखी है मैं कैसे भूलूंगा इस मिट्टी की खुशबूई इस मिट्टी में बचपन में मैंने बंदूकें गोई इस मिट्टी में बचपन में मैंने बंदूकें गोई इस मिट्टी में बचपन में मैंने बंदूकें गोई। अब मौत का लगन लिखा दो अब मौत का लगन लिखा दो मेरे वतन की। आप मेरे साथ कहिए एक बार मेरे साथ मेरे वतन की मिट्टी ला दो कि माथे तिलक लगा दो वतन की। बैकग्राउंड कैमरा आपके अंदर भी कहीं ना कहीं भगत सिंह है, बस उसको जागृत करने की आवश्यकता है। तुम चाहो तो मरुस्थल में भी बाग लगा सकते हो, तुम चाहो तो पानी में भी आग लगा सकते हो, और तुम चाहो तो खारे जल को सोम बना सकते हो, तुम चाहो तो पत्थर को भी मोम बना सकते हो। क्या बात है, हर व्यक्ति के अंदर भगत सिंह है, बस अपने आप को देखने की आवश्यकता है। मेरे वतन की हाथ उठा दीजिए एक बार, हाथ उठा के तालियों के साथ मेरे वतन की मिट्टी ला दो कि माथे तिलक लगा दो तन की मिट्टी ला दो माथे तिलक लगा दो Thank you.
मेंबरशिप के माध्यम से यह कार्यक्रम आपको 3 दिन के पश्चात पूरा विश्व इस कार्यक्रम को देखेगा। 200 रुपए देकर गौशाला के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। श्रद्धेय भ्राता श्री भी 100 रुपए दे के गए हैं। भगत सिंह कहने लगे, जज साहब, हो इस मिट्टी से जुड़ी हुई बचपन की कई कहानी, हो इस मिट्टी से जुड़ी हुई बचपन की कई कहानी, बचपन पीता मिट्टी में मुझको दे दीजिए जवानी, हो बचपन पीता मिट्टी में मुझको दे दीजिए जवानी। मन दूल्हे की तरह सजा दो, मुझे दूल्हे की तरह सजा दो। ये थे भगत सिंह, वो फांसी के तख्ते पर चढ़ गए और हम ताली नहीं बजा सकते उनके लिए। दोनों हाथ खोल के मेरे वतन की मिट्टी ला दो, के बात है तिलकी लगा दो, वतन की मिट्टी ला दो, के बात है तिलकी लगा दो। स्वदेश की मिट्टी का तिलक कर दिया तो प्रसन्नता के साथ मेरी आत्मा इस दुनिया को अलविदा कहेगी। फिर हंसी खुशी पहनूंगा गल में फांसी की डोरी, फिर हंसी खुशी पहनूंगा गल में फांसी की डोरी, मेरे माथे तिलक लगा दे सुन ले आजाद मनोरी, बेशक मन ने लटका दो, बेशक मन ने लटका दो। और संभवतः इस गीत के पश्चात आदरणीय बहन सपना जी अपना वक्तव्य रखेंगी। मेरी संभवतः अंतिम लाइन है, तो अंतिम लाइन पे आप सभी लोगों के हस्ताक्षर में चाहूंगा। जो पीछे तक व्यक्ति खड़े हैं, जो भगत सिंह को जानते हैं, वो एक बार हाथ ऊपर करेंगे। जो भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, और तालियों के साथ मेरे वतन की मिट्टी ला दो, के बात है दिल की लगा दो, की मिट्टी ला दो, के बात है दिल की लगा दो, की मिट्टी ला दो, के बात है दिल की लगा दो, की मिट्टी ला दो, के बात है दिल की लगा दो, की मिट्टी ला दो, के बात है दिल की लगा दो, की मिट्टी ला दो, के बात है दिल की लगा दो। एक बार कहिए भारत माता की जय हो।